हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम, वी कैन हियर यू। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, वी आर रेडी। यूट्यूब हैज ऑल्सो स्टार्टेड। यूट्यूब या आई एम स्टार्टिंग इट, जस्ट सम प्री प्रिपरेशन आई एम डूइंग। We always put the first slide of the PPT and no video. Okay. Only the first slide of the PPT all the time, 15 minutes before the class starts. Okay, done. Share screen se jayegi na. मेरा फोन चाहिए होगा मुझे, एक मिनट, क्योंकि मुझे उसका नेट उसमें से चाहिए। वीडियो कैसे बंद करूँ? वीडियो नहीं बंद हो रहा। बाद में स्टार्ट करना होगा तो राइट क्लिक कर। पर वो नहीं है, नीचे में कहीं आती है महिला नहीं। स्किप किया। अच्छा, ये आ गया, ये वापस आके आएगा। हाँ, स्क्रीन तो मैंने वहां शेयर कर ही रखा है ना। हेलो हेलो, हेलो हरिजा मैम, आई एम हियर। Can we the video, please? Thank you.
Return to meeting. Resume share. Yeah. मैं muted हूँ क्या? Hello all. Pragya ma'am, can you hear me? Are you able to hear me? No. Yes, we can hear you. Okay. Voice is clear? Pragya yes. Ma'am, you are muted. Mute button. Your yeah. voice is clear. Okay, thank you. So I hope many children must have joined. Students are joining. Students are coming, and I can see Amit Tripathi has raised his hand to show that he is there. Good. We as a teacher, we really need to know how motivated you are for the class. Yes, there are three more participants who raised their hands. Good morning, Rahul ji. Bataiye kya khabar? Badhiya badhiya. Chal raha hai. Mast hai. Vyast hai. Sab badhiya. Sab kushal mangal. Ye sab kushal mangal hai. And once we get the signal, we'll start with our class. Waiting for the signal from Srini sir and Mohan sir. I hope you are able to hear me. And I can see the smiling face of Pragya ma'am. Ma'am, you can start now. It's 10:30. Okay. So good morning, children. Aaj lockdown 2 ka stage start hua hai. But as I said in my previous session also, कि every dark cloud has a silver lining. ये एक वो मौका मिला जब हम आपके साथ connect हो सकते हैं. तो बच्चों, आज आपके history के session में मैं Dr. Harita Arora from Core Academic Unit is going to take your class. आपकी class लूंगी. कोशिश करूंगी bilingual चलूं. वैसे इतिहास के ज्यादातर बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, बट फिर भी आई ट्राई. देन मेरे साथ जो को पैनलिस्ट हैं आज, जो बीच में आपसे भी प्रश्न पूछेंगी, क्वेश्चंस पूछेंगी, वो है प्रज्ञा सिन्हा मैम फ्रॉम SOE द्वारका, और साथ में हमारे साथ टू मोर टीचर्स आर देयर टू फैसिलिटेट अस, सविता मैम फ्रॉम RSKV नंबर 2 शकरपुर, एंड नीता सिंघल मैम फ्रॉम SKV एच ब्लॉक अशोक विहार फेज 1. पिछली इंट्रोडक्टरी क्लास आपके संग हुई थी बच्चों, एंड आई होप कि आपको एक ओवरव्यू जब दिया था पूरे सब्जेक्ट्स का, तो आप उसको समझ पाए थे, पूरे उस ओवरव्यू को, कि किताब कैसी है. क्योंकि इतिहास जो है बेसिकली बेहद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते आपको इतिहास पढ़ना कैसे है ये समझ में आ जाए. तो चलिए बच्चों, आज की हम यात्रा पर निकलते हैं. चार बच्चे हैं, हाथ देखिए बच्चों. एक बात आपके हाथ खड़े होने से मुझे याद आया कि जो YouTube पर आप लोग देख रहे हैं, आपके साथ चुपचाप आपकी अपनी टीचर्स ने भी वहां पर ज्वाइन किया है. तो जो बच्चा जो भी क्वेरी पूछेगा या कोई भी चैट कर रहा है, तो वो आपके टीचर्स आपको वहां पर देख रहे हैं.
तो बच्चों मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस टाइम को जिसके लिए हम सब टीचर्स ने आपके लिए इतनी मेहनत की है, आप जानते हैं लॉकडाउन पीरियड है, उसमें एक तरह से हमें मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही है, घर को भी देखना है और आप भी हमारे बच्चे हैं, आपके लिए हम बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी नीड टू बी टुगेदर, वी नीड टू बी पॉजिटिव एंड वी नीड टू ज्वाइन हैंड्स इन दिस लर्निंग। और वो ज्वाइनिंग हैंड अगर आपकी हमारे संग नहीं हुई तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो लेट्स बी टुगेदर एज अ टीम बच्चों, और उम्मीद करूंगी कि ये सेशन जो है उसमें आपका एक पॉजिटिव तरीके से लर्निंग की तरफ आपकी एक क्यूरियोसिटी हमें दिखाई देगी। आप क्वेश्चंस पूछेंगे पूरे इस टाइम पीरियड में, आप लोग सब्जेक्ट के संग जितना जुड़े रहेंगे उससे हमें भी बहुत खुशी मिलेगी टीचर्स को कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आज हम कुछ लेकर के गए। तो चलिए आज की हमारी यात्रा पर, पहला चैप्टर आपका क्लास 12th का है ईंटे, मन के तथा अस्थियां। इंग्लिश में है ये चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। पहला चैप्टर आपका, यहां पर आप एक चित्र देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा, आपने देखा होगा जहां जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जहां जहां बात उठती है वहां वहां आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये पुरोहित राजा जिसके बारे में हम डिटेल में जब हम चैप्टर के संग आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तब तक इसके बारे में आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ें हमें ये पता होना चाहिए, कोई किसी किसी का आवाज आ रहा है प्लीज अपने माइक को म्यूट कर ले। तो ये पूरा चैप्टर जो है कितने सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है पहले हमें देखने की ये जरूरत पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि हम लर्निंग के साथ साथ हम ये ना भूलें हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो हम मैक्सिमम बोर्ड के हिसाब से कैसे विद इफेक्टिवनेस विद टाइम मैनेजमेंट विद फॉलोइंग अ प्रॉपर शेड्यूल हम कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, तो वो जानने के लिए पहली चीज ये देखिए, ये अध्याय आपका निम्न उपविषयों में विभाजित है यानी सब टॉपिक्स में। सब टॉपिक्स हैं पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल। पारिभाषिक शब्द मीन्स डेफिनेशंस, स्थान प्लेस एंड टाइम पीरियड। देन आरंभिक हड़प्पा यानी हम इस चैप्टर के अंदर जब हम मोहनजोदाड़ो हड़प्पा स्थल इनकी बातें करते हैं तो हम बात कर रहे हैं विकसित हड़प्पा स्थल यानी डेवलप्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन की। इस वर्ड को विकसित हड़प्पा सभ्यता को आप अपने माइंड में रजिस्टर करते हुए चलेंगे पूरे समय, क्योंकि बीच बीच में जब समझाया जाएगा आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता मींस विकसित हड़प्पा, तो जब आपके माइंड में ये वर्ड्स रजिस्टर होंगे विकसित हड़प्पा सभ्यता तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो आई रिपीट अगेन कि माइंड में रजिस्टर हो जाए, आरंभिक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले की कुछ सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता मींस विकसित हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। यहां पर तीसरा सब टॉपिक आपका आता है निर्वाह के तरीके। निर्वाह मींस आज भी आप देखिए कोरोना की स्थिति में लॉकडाउन की स्थिति में हम कैसे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। We are in confined to our homes, हम अपने घरों में हैं। डेली नीड्स की चीजें बीच बीच में हम लेकर क्या आते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, वो आता है निर्वाह के तरीके। तो ये तीन सब टॉपिक्स पर तो हम आज बात करेंगे, उसके अलावा आपका सब टॉपिक है अगर टाइम रहा तो हम मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर मतलब वो अर्बन सिटी सबसे बड़ी यहां पर मिली है उसके बारे में अगर आज वक्त रहा तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम बात करेंगे तीन सब टॉपिक्स पर मेनली पारिभाषिक शब्द स्थान और काल आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता और निर्वाह के तरीके। उसके बाद मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि आज बहुत सारे नए बच्चों ने ज्वाइन किया है
और बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है जो मैंने अपने पिछले इंट्रोडक्टरी सेशन में रिपीट की दिखाई थी। मैं उसको दिखाने की कोशिश करूंगी क्योंकि अगर मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर से पहले वो दिखा दी तो बहुत सारी चीजें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, पांचवा सब टॉपिक है सामाजिक अवलोकन। अब इसका क्या मतलब है भाई? सामाजिक भिन्नता मतलब सोशल डिफरेंसेस, अवलोकन मींस एनालिसिस, टू सी इनसाइड द सोशल डिफरेंसेस ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। सामाजिक भिन्नता मतलब क्या उनके समाज में अमीर गरीब ये सारी चीजें थी, उसका अवलोकन। Yes, something? Shrini sir, you were saying something? Okay. उसके बाद हमारा अगला सब टॉपिक आता है शिल्प उत्पादन और माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। सातवां सब टॉपिक है मोहरे, लिपि मींस स्क्रिप्ट एंड बाट इज वेट्स, विच यू मस्ट हैव सीन, जब आप सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी वाला, हाँ जी 500 ग्राम सब्जी देना तो वो वेट रखता है। इनके समय के बाट। आठवां सब टॉपिक प्राचीन सत्ता, यानी व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दे हैड। हियर यू कैन सी दिस इमेज ऑफ पुरोहित राजा हु प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्राचीन सत्ता। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हिम व्हेन वी विल कम टू आवर एट सब टॉपिक विद इन दिस चैप्टर, वो है ईंटे मन के तथा अस्थियां। उसके बाद हम बात करेंगे सभ्यता का अंत, यानी इसका खत्म कैसे हुई। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज में किनका योगदान रहा, हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डिस्कवरी ऑफ दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन विच टुक आवर इंडियन हिस्ट्री को और हजारों साल पीछे ले आया। एंड वी थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस दैट इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जिसके पास इतनी प्राचीन और इतनी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन रही है। आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन हिस्ट्री एंड आई थिंक आई होप दैट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस कंप्लीट बुक आप बच्चे भी फील करोगे कि हमारे पास कितना एक महान इतिहास हमारे पास रहा है। और आखिरी सब टॉपिक हमारा आता है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। तो आज हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी इसी यात्रा पर। जो मैं कह चुकी हूं, हम बात करेंगे पारिभाषिक शब्द स्थान और काल, जिसके अंदर हम अर्थ जानेंगे संस्कृति का, हम अर्थ जानेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों का। पुरातात्विक साक्ष्य मीन्स दोज आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स विच हेल्प अस इन कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री। फिर हम बात करेंगे सभ्यता के नामकरण की, हाउ द नेम टू दिस सिविलाइजेशन इज बीइंग गिवन, दैट इज हम इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो हमने ये नामकरण क्यों किया। दूसरा सब टॉपिक के जो है आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता, जो मैं आपको पहले भी बोली, आई रिपीट अगेन, आरंभिक हड़प्पा मीन्स द वन द साइट्स विच वी वर एबल टू डिस्कवर बिफोर द डेवलप्ड हड़प्पन साइट्स। तो हड़प्पा सभ्यता या विकसित हड़प्पा सभ्यता बात एक ही है, रजिस्टर इट हियर। तीसरी बात उनके खाने पीने के संबंध में पुरातत्वविदों ने कैसे माना। भाई आप सोचो ना, आज से 4000 साल पहले अगर मैं आपसे कहूं भाई बताओ कैसे वो खाते पीते थे, तो कैसे ढूंढा होगा भाई, वो जानना। पूरा वनस्पतिज्ञ और जीव पुरातत्विद कौन होते हैं, बड़ा हेवी टर्म लग रहा है आपको। पूरा वनस्पतिज्ञ मींस पेलियो बोटैनिस्ट, बोटैनिस्ट, पेलियो मींस पुराना, पुरा मींस पुराना, और वनस्पतिज्ञ इज रिलेटेड टू वनस्पति पेड़ पौधे, बॉटनी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ पेड़ पौधा प्लांट्स। देन और जीव पुरातत्विद, जीव पुरातत्व मींस पेलियो प्राचीन, जीव इज जियोलॉजिस्ट। फिर खेती की टेक्नोलॉजी क्या थी और इन पुरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप मैं
आज का जो हमारा शेड्यूल रहेगा, जिस बातों पे हम बात करेंगे, दैट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इज इट क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज, आई वॉन्ट टू नो. यस मैम, द वॉइस इज क्लियर. ओके ओके मैम, कैन यू सी द चैट ओवर देयर? यस. सो आई होप स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड. या वी आर विदिन. सो अब हम आगे बढ़ते हैं और आप ये देखिए, ये मैप है. ये मैप आपकी बुक से ही लिया गया है. आप देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन इतने बड़े एरिया में, आज का जो अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान विच वॉज वंस पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ ये मोहनजोदाड़ो, ये हड़प्पा, ये राजस्थान भारत का, इधर हरियाणा, ऊपर जम्मू कश्मीर, जम्मू में भी मिले हैं इस साल. आप सोचो ना, इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े रीजन में पूरी एक सभ्यता विकसित हुई है. तो आप सोचिए, इतने बड़े क्षेत्र को मैनेज करने के लिए सिस्टम भी कितना रहा होगा. आप कंपेयर करो ना आज के इंडिया से. इंडिया इतना बड़ा है और ये इंडिया से भी बड़े रीजन तक पूरा फैला हुआ. तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलो किया जाता है, सारी चीजें अपनी रेगुलेटेड रहे. तो इस सभ्यता के अंदर ये सारी चीजें कैसे रही होंगी? चलिए अब बात करें, सब करते हैं. ये देखो आप, ये मन के इस बीट्स, ये बाट है, ये पत्थर के शलक है, फलक है, जो वो उस समय में इस्तेमाल करते होंगे. अब ये जब चीजें मिली, तो आप एक चीज देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, मींस स्क्रिप्ट, विच इज नॉट येट डिसाइफर्ड, मींस जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पढ़ी नहीं गई है. तो फिर इसका, क्योंकि देखिए, लिखित स्रोत जो होते हैं वो इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत होते हैं, मदद करते हैं इतिहास निर्माण में. जब लिपि नहीं पढ़ी गई, तो इसके इतिहास का निर्माण कैसे किया आर्कियोलॉजिस्ट ने? हिंदी में भी कॉल देम पुरातत्वविद. अ वर्ड इज अ बिट टंग ट्विस्टर. पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट कैसे किया? तो आप देखिए, इनको यहां पर कुछ चीजें मिली. ये बीड्स मिले हैं, ऐसे बाट मिले हैं, पत्थर के फलक मिले हैं, बर्तन मिले हैं, घरों के सबूत मिले हैं, आभूषण यानी ज्वेलरीज जो हम आज भी पहनते हैं, ज्वेलरीज मिली हैं, औजार मिले हैं. दिस पत्थर का जो ये है, इसको आप औजार मान सकते हो धातु के. दिस वॉज अ कांस्ययुगीन सभ्यता, मीन्स ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कंटेम्प्रेरी टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की समकालीन सभ्यता थी. और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप 11वीं की अपनी क्लास में पढ़ चुके हो. वो भी कांस्ययुगीन थी, ब्रोंज एज, ये भी ब्रोंज एज है, कांस्ययुगीन. तो औजार मिले, मोहरे मिली. अगर हम ये बोले दूसरे शब्दों में, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है, उन्होंने इन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों, साक्ष्य यानी सबूत, पुरातात्विक सबूतों के माध्यम से इसके बारे में जानने की कोशिश की है. अब इन्होंने इन सबूतों के माध्यम से कोशिश तो की, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो एक्सप्लेनेशन हम रहे हैं, हो सकता है कल के दिन अगर इनकी लिपि पढ़ी गई, क्योंकि लगे हुए हैं, कोशिशें चल रही हैं उस लिपि को डिसाइफर करने की, जिस दिन लिपि पढ़ी गई, हो सकता है कई एक्सप्लेनेशंस में चेंजेस आए. तो वक्त के संग ये व्याख्या, इंटरप्रिटेशन बदल भी सकती है. और अगर लिपि नहीं पढ़ी गई, तो हो सकता है इतनी महान सभ्यता के बारे में जो चीजें रहस्य के पर्दे में है, वो हमेशा रहस्य रह जाए. आई होप आई एम क्लियर. अब देखिए, यहां पर एक बात मैंने कही थी इसके नामकरण की. नामकरण संस्कार घर में भी होता है, हम किसी भी चीज का नाम देते हैं. तो यहां पर है सिंधु घाटी सभ्यता / हड़प्पा संस्कृति. Why this station is called
सिंधु घाटी सभ्यता मीन्स, सिंधु मीन्स इन इंग्लिश वी कॉल रिवर, बिकॉज ऑफ रिवर इंडस दिस इज बीइंग कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता. यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ आप देख सकते हैं ये इंडस नदी यानी सिंधु नदी, ये बह रही है. सिंधु नदी से निकलती है पांच नदियां जो आपकी पंजाब जाती है, जिससे नाम पड़ा है पंजाब. पंच मीन्स पांच, पांच नदियों का क्षेत्र. ये है झेलम, चेनाब, रबी, सतलज, ये जा रही हैं. ये हड़प्पा जो है रबी नदी के किनारे है, लेकिन मेन रबी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, और ये रिवर इंडस सिंधु नदी के किनारे ये है मोहनजोदाड़ो. तो इसको नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि ज्यादातर स्थल इसी सिंधु नदी या उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास मिले हैं. लेकिन इस सभ्यता को कभी कभी हम हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं. अब क्वेश्चन उठता है, हड़प्पा संस्कृति क्यों, मोहनजोदाड़ो की संस्कृति क्यों नहीं, कालीबंगन की संस्कृति क्यों नहीं, लोथल की संस्कृति क्यों नहीं? तो बच्चों, सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो था हड़प्पा. इसीलिए इस सभ्यता को कई बार हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं. अब यहां पर बात उठती है संस्कृति का क्या अर्थ है. आज से अगर आप रिलेट करें, वी कॉल इट इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है, इंडियन कल्चर में वैसा है, अमेरिकन कल्चर सेज दिस, यूरोपियन कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम आवर कल्चर, व्हाट डज इट मीन. इन टुडेज टर्मिनोलॉजी कल्चर मींस द वे वी लिव आवर लाइवलीहुड आवर कस्टम्स आवर रिलीजियन आवर अदर ट्रेडिशंस. उन ट्रेडिशंस में हमारी स्थापत्य नमूने, हमारी बिल्डिंग्स भी उसको रिफ्लेक्ट करती हैं. यहां पर जो हड़प्पा संस्कृति वर्ड यूज किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, वो उसके लिए है जो इस पूरे एरिया में, ये एरिया आप देख सकते हैं मैंने कर्सर घुमाया है, इस पूरे एरिया में एक जैसी चीजों का मिलना, एक जैसे प्राचीन वस्तुओं का मिलना जो एक ही जैसी शैली के हैं, यानी बर्तन एक जैसे, बाकी चीजें एक जैसी जो मिली, और एक विशेष, एक पर्टिकुलर ये ज्योग्राफिकल एरिया में, जो ज्योग्राफिकल एरिया जहां पूरा ये सिविलाइजेशन है, इस पूरे एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड, एंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज सेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक. मोटा मोटी ईसा पूर्व मीन्स बीसी टू 1900 बीसी. तो जो एक जैसी चीजें मिली एक विशेष ज्योग्राफिकल एरिया में, एक विशेष टाइम पीरियड में, एक जैसे बर्तन, एक जैसे मन के बाट, तो उसके आधार पर इसको नाम दिया गया संस्कृति. अब जब मैंने बोला बीसी, मैंने बोला सीई, सीई स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा. जब हम पढ़ते थे उस समय टर्म यूज होता था एडी और बीसी. एडी मींस लैटिन है एनो डोमिनी. एनो डोमिनी मींस आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म के बाद. बीसी बिफोर द क्राइस्ट. आज उसकी जगह टर्मिनोलॉजी यूज होने लगी है बीसीई एंड सीई. सो दिस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द टाइम पीरियड बिटवीन 2600 बीसीई टू 1900 बीसीई. I hope I am clear. Pragya ma'am, I hope I am clear till here. Yes, you are very clear. At times the voice is breaking. Voice is breaking? Yeah. At times. Okay. At times. Fine. Then maybe I'll check into it. Yeah. Otherwise, everything is very clear. Okay. So, अब हम
आगे बढ़ते हैं इसी सभ्यता में, यहां पर आप लोग ये देख सकते हैं, ये देखिए आपका हड़प्पा सभ्यता से पूर्व संस्कृतियां, यानी बिगनिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये एक मैप दिया है यहां पर, ये जो सिविलाइजेशन से पूर्व की सिविलाइजेशन है, और अभी के देखिए थार डेजर्ट राजस्थान में तो मिला ही है, चोलिस्तान एक एरिया है जो डेजर्ट का ही एरिया है, ये आप देख सकते हो सेम कलर में, जो आज के पाकिस्तान में है, और हड़प्पा यहीं पर मिला है, यानी कि थोड़ा एरिड एरिया में, एरिड इज शुष्क एरिया, अर्ध शुष्क एरिया, ये अर्ध शुष्क एरिया है। और यहाँ सिंध के एरिया बलूचिस्तान, इधर मोहनजोदाड़ो, दीज आर कॉल्ड सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड मीन्स अर्ध शुष्क एरियाज में, आज है ना अर्ध शुष्क, उस समय कैसे थे, उस समय क्योंकि देखिए वक्त के संग वहां पर मिले हुए सबूत है, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनकी सीलों में जंगली जानवरों का चित्रण काफी है, और वो उससे अगर आर्कियोलॉजिस्ट रिलेट करके कहते हैं तो हो सकता है कि उस समय में यहाँ हरा भरा जंगल रहा होगा, क्योंकि हम जो कुछ जानते हैं हम उसी को रिलेट करके देते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप अपने और मुझे अगर इंप्लीमेंट करके देखिए तो जिन चीजों को आप जानते हैं आप अपने माइंड में भी उन्हीं की कल्पना करते हैं, तो जो मिली है उससे ये पता लगता है कि उस समय में हो सकता है ये एरिया जो है वो हरा भरा रहा होगा। तो अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता से पूर्व संस्कृतियां, इसको हम हड़प्पा यानी विकसित हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता के साथ इनकी कुछ सिमिलैरिटीज, एक सी चीजें मिली, क्या, एक ही तरह के बर्तन यानी विशिष्ट मृदभांड, मृदभांड एक टिपिकल जो हमारा लिटररी वर्ड है हिंदी के अंदर, मृदभांड, मृदभांड मीन्स बर्तन, बर्तन हो गए, एक से जानवरों को पालना, खेती में एक सब मिलना, और शिल्पकारी यानी मन के वन के एक से हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो चीज डिफरेंट मिली है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता में यानी विकसित हड़प्पा पीरियड में, जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की हम बात करते हैं स्थल की, उस समय के मुकाबले उससे पहले की पूर्व में छोटी बस्तियां मिली हैं, और बड़ी बड़ी सिटीज आज से अगर आप कंपेयर करो मोहनजोदाड़ो को या हड़प्पा को, तो आज के दिल्ली बॉम्बे सिटीज से आप कह सकते हो कि ये उस समय के दिल्ली बॉम्बे थे। दिस इज आई एम सेइंग टू एक्सप्लेन यू, नॉट टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। कुछ चीजें हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, उसको एक्सप्लेनेशन की तरह ही हम ले ताकि हमें रिलेट करने में इजी हो। तो हड़प्पा से पहले वाले में हमें छोटी बस्तियां मिली हैं, बड़ी बस्तियां नाक के बराबर मिली हैं, और एक चीज बड़ी अजीब सी देखने को मिली है कि हड़प्पा से पूर्व की बस्तियों को अचानक से, एकदम अचानक से त्याग दिया या जलाया और आगे बढ़ गए। तो जो शुरुआती हड़प्पा है और हड़प्पा सभ्यता है जिसके बारे में हम मेनली बात करेंगे, उसकी पूरी एक चेन के बीच में ये एक ब्रेक देखने को मिलता है, यानी ये कंटिन्यूटी ऐसे कंटिन्यूटी नहीं है, दिस कंटिन्यूटी इज ब्रेकिंग, यू कैन सी माय नोज ओवर हियर, दिस इज लाइक ए क्रम भंग, टूटन है, और इसको जोड़ने की कोशिश में आर्कियोलॉजिस्ट लगे हुए हैं, दे आर ट्राइंग टू ज्वाइन इट टूगेदर टू सी, खोजबीन जारी है। और आप यहां नीचे देखो एक टेबुलर फॉर्म में कुछ दिया है मैंने, ये है आज के पाकिस्तान के सिंध एरिया, ये रहा सिंध एरिया, और आज के पाकिस्तान का चोलिस्तान एरिया, ये रहा चोलिस्तान एरिया, यहां पर हड़प्पा से पहले की जो बस्तियां मिली हैं वो है सिंध में 52 और चोलिस्तान में मिली है 37, और अगर हम दोनों को साइट्स के नंबर मिला करके देखें यानी आरंभिक और विकसित हड़प्पा के स्थल, तो सिंध के अंदर 106 साइट्स मिली हैं। आप सोचिए ना कितना बड़ा नंबर है, और चोलिस्तान में तो कमाल ही हो गया, 229 साइट्स मिली हैं दोनों की मिला करके।
और हम बात तो मेनली करते हैं या मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की अपने सब्जेक्ट में, लेकिन आप देखिए छोटे छोटे साइट्स पर भी आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं डिस्कवरी में। तो विकसित हड़प्पा से मिली जो स्थल है वो सिंध के अंदर 43 मोहनजोदाड़ो के अलावा 43 स्थल उसके हैं, और चोलिस्तान में हड़प्पा के अलावा 131 स्थल और हैं। तो ये आंकड़े आप देख सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। इससे हमें ये पता लगता है कि आर्कियोलॉजिस्ट अभी ढूंढ भी कहां कहां रहे होंगे, कहां कहां जो है इसकी खोजबीन चल रही है। अब आ जाए हम जरा इधर, बात करते हैं निर्वाह के तरीके, मीन्स खान पान के तरीके, उनके जीवन यापन के तरीके। उस पर जाने से पहले लेट्स ऑब्जर्व दीज टू मैप्स विच आर टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मानचित्र एक, ये इसमें हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, दैट इज विकसित हड़प्पा सभ्यता, उसके साइट्स दी हुई हैं। जैसे ये गुजरात एरिया, गुजरात में धौलावीरा, ये नागेश्वर समुद्र के किनारे, लोथल है समुद्र के किनारे, इधर नीचे रंगपुर है, यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है ये रंगपुर, ये इधर पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी, चन्नूदड़ो, बालाकोट, ये इधर पाकिस्तान में फिर हड़प्पा, इधर इधर आप आ जाइए ये हरियाणा के अंदर आता है ये दोनों स्थल, राखीगढ़ी और बनावली। बच्चों ध्यान से सुनना, अभी आपका आगे क्रिक रैपिड राउंड भी होगा, मजा आएगा बहुत उसमें। राखीगढ़ी बनावली आज के राजस्थान के अंदर पड़ता है ये, कालीबंगन काली चूड़िया मतलब है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे स्थल विकसित हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अब जरा इस मैप में आइए, ये है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र, यानी जिस टाइम पीरियड की जिसकी हम बात करेंगे इस चैप्टर वो तो ये है, लेकिन उससे पहले वाले में आमरी नाल आता है, कोटडीजी है, सिसवल है। ये देखो आप कुछ अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो क्या कोई सिमिलैरिटी दिखती है? प्रज्ञा जी आप बताएंगी कोई सिमिलैरिटी दिखती है इसमें, एक सा कुछ है? प्रज्ञा जी एक बार और रिपीट करें, आपकी वॉइस कट रही है। क्या इसमें आपको कुछ एक सा दिखाई देता है? हाँ कुछ तो, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि कुछ शहर तो ऐसे हैं जो दोनों ही नक्शों में दिखाई दे रहे हैं। देयर आर सम सिटीज और साइट्स विच आर बीइंग शोन इन बोथ द मैप्स, लाइक आई मेंशन वन साइट दैट इज कोटडीजी, वेरी राइट, वी सी कोटडीजी बीइंग मेंशन्ड ऑन बोथ द मैप्स। तो हम देख रहे हैं कि जो पुराना हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी और जो एक विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें सारे ही शहर अगर हम देखें तो नए नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। देर आर सम साइट्स विच आर कॉमन बोथ इन द इनिशियल हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इन द वेरी डेवलप्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन विच वी आर स्टडीइंग इन दिस चैप्टर, दैट इज फ्रॉम 2600 BC। थैंक यू। क्या आप बता सकती हैं कि हरियाणा में कौन कौन से स्थल हैं? If we see Haryana, children you can concentrate, आप थोड़ा सा concentrate कीजिए, वहां आपको पाकिस्तान की boundary map पर दिखाई दे रही है। अगर आप मानचित्र एक यानी map वन में देखें तो आपको पाकिस्तान की boundary दिखाई दे रही है, तो जो हमारा भारत का portion होगा वो पाकिस्तान की boundary से east की तरफ होगा, तो थोड़ा उधर concentrate करें students, तो आप देखते हैं हरियाणा के जो हमारे क्षेत्र हैं वो है बनावली, राखीगढ़ी, ये जो हमारे क्षेत्र हैं ये हरियाणा के क्षेत्र कहलाएंगे। आप देखिए उसमें कालीबंगन भी है। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? आई होप कि बच्चे थोड़ा सा देख पा रहे हैं, लेकिन बनावली और राखीगढ़ी जो है वो हमारा हरियाणा में पड़ रहा है। और कालीबंगन,
कालीबंगा मैम थोड़ा सा अलग चलते हैं, तो अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हम देख रहे हैं वो राजस्थान के। वेरी राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम बात करेंगे निर्वाह के तरीके यानी खान पान के तरीके। ये भी हमें आरंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा में कुछ समान देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने कहा, आज से 4000 साल पहले की सभ्यता के खान पान के बारे में बताना बड़ा मुश्किल है, तो उसमें हमें सहयोग मिला है किनसे? उसमें हमें सहयोग दिया है पेलियो बोटानिस्ट ने और पेलियो जूलॉजिस्ट ने। पेलियो जूलॉजिस्ट इज पूरा जीव विज्ञानी और पेलियो बोटानिस्ट इज पूरा वनस्पतिज्ञ। वनस्पतिज्ञ ने ये ढूंढा कि वहां पर कुछ जले हुए अनाज के दाने और बीज मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई चीज कौन सी मिलेगी, जो हम यूज करते हैं वही तो मिलेगी। तो वहां पर उन्हें जो है मिले हैं हड़प्पा स्थलों से अनाज के दानों में गेहूं, दाल, सफेद चना, तिल, ये काफी मिले हैं, और बाजरे के दाने मिले हैं गुजरात से। चावल के दाने कम मिले हैं, चावल फिर भी लोथल में मिला है। चावल के दाने कम मिलने का मतलब है कि चावल कम खाया जाता होगा। और जो है अब आप देख सकते हैं कि इससे उन्होंने कैसे अंदाजा लगाया। दूसरी तरफ हमारी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम में से जो पेलियो जूलॉजिस्ट है, पूरा प्राणी विज्ञानी है, उन्होंने जब ढूंढा तो उन्हें कुछ जानवरों की हड्डियां मिली। किनकी मिली? मवेशी, मवेशी इज कैटल्स, कैटल्स हम आज भी पालते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है, भैंस है, इनकी हड्डियां मिली हैं और हम आज भी पालते हैं, तो ये अंदाजा लगाया कि उस समय में ये पालतू रहे होंगे। इसके अलावा मछली है, पक्षी है, उनकी हड्डियां मिली, सुअर की हड्डियां मिली, हिरन की हड्डियां मिली, घड़ियाल की हड्डियां मिली। हड्डियां उन्हीं की तो मिलेंगी जिसके जो उन दिनों में लोग भाई अस्तित्व में थे, दे वर प्रेजेंट देयर एंड हुम दे वर यूजिंग, कैसे यूज कर रहे थे, तो एक प्रश्न चिन्ह यहां पर आप लगा हुआ देख सकते हो इस तीसरी स्टेटमेंट में। ये आज भी एक खोज का विषय है कि हड़प्पा वासी खुद शिकार करते थे मांस के लिए, मींस इसका मतलब नॉन वेजिटेरियंस भी थे, तो वो उसके लिए खुद शिकार करते थे या वो शिकारी समुदाय अलग हुआ करते थे जिनसे वो मांस खरीदा करते थे, स्टिल रिसर्च का विषय है, प्रश्न चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं। जब खाने की बात हुई, जब गेहूं की बात होती है, जब जौ की बात होती है, जब बाजरे की बात होती है, चने की बात होती है, दालों की बात होती है, तो खेती जरूर होती है, खेती होती थी। अब आप ये देखो, ये आपकी पुस्तक से ही लिया गया चित्र है, वहां पक्की मिट्टी से बना हुआ ये बैल, एक शुद्ध हिंदी में उसको बोला जाता है वृषभ, ये बैल का सबूत मिले हैं। इसका मिलने का सीधा सीधा ये मतलब है कि बैल को वो लोग जानते थे। तो इस आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं इसके बारे में मोहरों में मृण मूर्ति, मतलब मिट्टी की मूर्तियों से, ये हो गई ना पक्की मिट्टी का बना हुआ, और मोहरे मिली है, मोहरों में भी इसके चित्र बने हुए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बैल को ये जानते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये माना है कि जिस तरह देखो हम बढ़ते हैं नोन टू अननोन, आज भारत, तो इसका मतलब है कि खेत जोतने के लिए उन दिनों बैलों का उपयोग होता था। चोलिस्तान के कई स्थानों से, और ये चोलिस्तान का ये एरिया आ गया, चोलिस्तान के
हरियाणा बनावटी से मिट्टी के बने हल, मिट्टी का बना हुआ हल के प्रतिरूप भी मिले हैं। इसके अलावा जो आज के राजस्थान में पड़ता है कालीबंगन, कालीबंगन में तो आप ये देखिए जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं, जुता हुआ खेत दिखा है, जिसको देख करके ऐसा लगता है कि दो हल रेखाएं चल रही हैं और एक दूसरे को समकोण मीन्स 90 डिग्री के एंगल पर, ऐसे दिस इज 90 डिग्री एंगल इफ आई कैन शो विद माई हैंड्स, 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को काटते हुए। ये बात ये बताती है कि हो सकता है उन दिनों उनके पास वो टेक्नोलॉजी भी हो कि एक ही खेत में दो फसलें उगाई जाती हैं। तो ये सबूत मिलता है हमें कालीबंगन से। तो मेरी आवाज आ रही है प्रज्ञा मैम, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट 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 योरसेल्फ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने यूट्यूब के आप अपने यूट्यूब पर प्रश्न डाल सकते हैं, उसका रिस्पांस आपको साथ साथ मिलता रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जब बात हमने की खेती की, जब फसल उगाई जाती है तो फसल काटी भी जाती है। आप आज ही के में देखिए, मोदी जी ने अभी 10 बजे से राष्ट्र को संबोधित करना चालू किया और पेपर में भी अभी कुछ दिन पहले था, क्योंकि फसल पक गई है। पकी हुई फसल को अगर अभी फार्मर्स को इस लॉकडाउन पीरियड में नहीं छोड़ा गया तो कटेगा कैसे, तो फसल कटेगी कैसे, बर्बाद हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आई एम नॉट एबल टू हियर यू सर, यू आर सेइंग एवरीथिंग, आई एम नॉट एबल टू हियर यू सर। प्रज्ञा, यू गॉट टू गेट योर सिस्टम। तो उन दिनों भी फसल काटने के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो यूज होती थी। अब वो टेक्नोलॉजी क्या थी ये देखिए, ये भी आपकी बुक से लिया गया चित्र है। इसको कहा गया है ये धातु के औजार मिले हैं, तो क्या इनका उपयोग फसल काटने के लिए किया जाता था? या उस समय में जैसे आजकल भी अगर आप रिमोट एरियाज में जाए तो पत्थर के कई बार, वैसे तो लोहे का उपयोग होने लगा है आजकल बहुत, तो पत्थर के फलकों को इसी शेप में काट करके लकड़ी के हत्थे पर बिठा करके कुल्हाड़ी काटने के लिए बनाई जाती थी। तो ये भी एक प्रश्न है कि क्या वो लोग लकड़ी के हत्थे पर बिठाए गए पत्थर के फलक यानी पत्थर के टुकड़ों का उपयोग करते थे? प्रश्न चिन्ह है उस पर। या धातु के औजारों को यानी किसी मेटल्स में उन दिनों ब्रोंज जानते थे, लोहा तो उन दिनों पता ही नहीं था, लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। कांसे का उपयोग सबसे ज्यादा हुआ है, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। या धातु के औजारों का उपयोग करते थे, ये आज भी खोज का विषय है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ये धौलावीरा से मिला हुआ एक जलाशय है। धौलावीरा पड़ता है गुजरात के, ये रहा धौलावीरा। ज्यादातर हड़प्पा कालीन जहां पर स्थल है वो अर्धशुष्क सेमी एरिड एरियाज में मिले हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, अभी मैं डॉक्यूमेंट्री भी आपको दिखाऊंगी, उसके अंदर ये बात उठी है कि जब सीले मिली है तो उसमें जंगली जानवर बहुत है, तो क्या उस समय यह हरा भरा था या एरिड एरिया था? एरिड मीन शुष्क एरिया था। तो ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल जो मिले हैं वो ऐसी जगहों पर मिले हैं, पंजाब में, हरियाणा में, जहां पर सिंचाई की जरूरत होती है। और तो और अफगानिस्तान के शोरतुगई नामक जगह पर तो नहरों के अवशेष भी मिले हैं। तो इसका मतलब है कि सिंचाई के लिए इन नहरों का इस्तेमाल होता था। लेकिन पंजाब इधर पड़ेगा राज्य से हरियाणा के ऊपर, पंजाब में या फिर सिंध एरिया में नहरें नहीं मिली हैं।
नेहरू का नाम मिलने का ये मतलब नहीं है, हम सीधे सीधे ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि नेहरू थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से ह्यूमन लाइफ है उसी तरह अर्थ की लाइफ भी है, सन की लाइफ भी है, मून की लाइफ भी है, नदियों की भी लाइफ है, ये ज्योग्राफी में आता है। हो सकता है कि नहरें थी प्राचीन, गाद से भर गई तो आज नॉन एग्जिस्टेंट हो गई। और जो है, लेकिन एक चीज और है कि वहां पर कुएं भी बहुत मिले हैं। मोहनजोदाड़ो के अंदर करीबन 700 के आसपास कुएं मिले हैं मोहनजोदाड़ो में, तो कुओं से सिंचाई हो सकती है। फिर आप देखिए धौलावीरा में ये जलाशय मिला है, ये जलाशय, भाई जलाशय क्यों बनाया जाएगा? जल संचयन के लिए, यानी टू कलेक्ट दी वाटर, पानी को इकट्ठा करना। तो उन कुओं के पानी से या इन जलाशय के पानी से भी तो सिंचाई हो सकती है। तो हो सकता है कि सिंचाई के, यानी इरिगेशन टेक्नोलॉजी, सिंचाई इरिगेशन, इरिगेशन को वो अपनी खेती में यूज करते होंगे। देखिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इस चित्र को आप देखिए, इस पे कुछ ये आर्कियोलॉजिस्ट जब अपने फाइंड्स निकालते हैं, जो खोजे निकालते हैं, उनको ये नंबरिंग कर देते हैं। अब यहां पर ये, इसको कहा गया, माना गया अवतल चक्की। साइंस के अंदर, फिजिक्स में दो तरह के मिरर्स की बात आती है, अवतल और उत्तल। ये अवतल है, अवतल मीन्स द वन, उसकी शेप यहां से ये जा रही है, ये शेप, ये अवतल कहलाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉन्क्लेव। ये अब आप देखिए, ये इस तरह की चक्कियां यहां पर बहुत मिली हैं, और पुरातत्वविदों ने आज के समय से इनकी तुलना करके ये समझने का प्रयास किया है कि इनका क्या उपयोग होता होगा। जैसा मैंने बोला, फ्रॉम नोन टू अननोन। तो अर्नेस्ट मैके भी एक्सकवेशन से जुड़े हुए थे, यानी खुदाई से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, फर्दर एक्सकवेशंस एट मोहनजोदाड़ो। फर्दर मीन्स आगे, एक्सकवेशंस मीन्स खुदाई, एट मोहनजोदाड़ो मीन्स मोहनजोदाड़ो के स्थल से। 1937 में पब्लिश हुई उनकी ये किताब है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस सभ्यता के अंदर भोजन तैयार करने के लिए, आटा तो हम आज भी पिसवाते हैं ना गेहूं से, तो अनाज पीसने के यंत्र, फिर उन्हें आपस में मिलाने के लिए सिलबट्टा, तो आप लोगों ने देखा ही होगा सिलबट्टा। आज तो हम घरों में मिक्सी यूज करने लगे हैं, लेकिन सिलबट्टा भी अभी अभी आता है। कई बार आपने देखा होगा, आप छोटा कुछ पीसने के लिए, वो मेटल का कूटन और उसके संग छोटे छोटे का भी, लहसुन पीसना है कुछ है, तो कई बार हम हाथ से भी कूटते हैं, तो सिलबट्टा इज सिमिलर टू दैट। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि गाँव के बैकग्राउंड के हो, तो आपने सिलबट्टा जरूर देखा होगा। और इनको आपस में मिलाने के लिए, मिक्सिंग के लिए या पकाने के लिए बर्तनों की जरूरत तो तब भी थी, आज भी है। तो इन सब को पत्थर से, धातु से यानी मेटल से या मिट्टी से बनाया जाता था। पकी मिट्टी के बर्तन भी बहुत मिले हैं वहां पर, पत्थर के भी मिले, ये पत्थर का ही है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण खोज है जो ये, इस तरह की चक्कियां बहुत मिली, बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं अवतल चक्कियां। इससे ऐसा लगता है कि अनाज को पीसने के लिए प्रयुक्त तो शायद एकमात्र साधन थी। ये चक्कियां जो हैं, ज्यादातर ये चक्कियां एक कठोर कंकरीले अग्निज या बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। अग्निज इज इग्निशियस रॉक, थोड़े काले रंग का होता है। तो और आमतौर से इस तरह की चक्कियों के प्रयोग के बहुत संकेत मिले हैं। अब इनका तल तो ऐसा है, इस तरह का है, तो अब आप इसको जमीन में अगर रखोगे करने के लिए तो नहीं रख पाओगे ना, ऐसे कैसे रखेंगे, इसके लिए फ्लैट शेप चाहिए। तो इसको हो ना हो जमीन पर जो है गड्ढा करके या जमीन में इसको जमा करके रखा जाता होगा, ताकि ये हिल ना पाए। हिलने से रोका तो फिर इसमें आप पीस सकते हो। और दो तरह की चक्कियां मिली हैं यहां पर, एक तो वो है जिन पर ये छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था। जब इस पत्थर को चलाया जाएगा तो ये नीचे का हिस्सा जो है ये खोखला होता जाएगा, जितना ज्यादा खोखला उतना मतलब है कि उतना इसका इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। तो इसकी गहराई से नीचे वाले पत्थर के घिसा कितना खोखला हुआ है, उससे ये पता लगता है कि इसका इस्तेमाल कितना किया गया होगा। और दूसरी तरह की चक्कियां वो मिली हैं
जिनका प्रयोग सालन या तरी, जैसे मैंने बोला ना घर में हम पीसने कूटने में इस्तेमाल करते हैं, सालन या तरी के लिए जड़ी बूटी और मसालों को कूटने के लिए किया जाता होगा। तो जो दूसरी तरह का पत्थर है सालन तरी के लिए, अमनस मैके ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है, कहता है हमारे मजदूरों ने खोज करके ये चक्कियां तो निकाली और इसको म्यूजियम में रखा, तो उनके घर का जो बावर्ची था यानी जो उनका कुक था, खाना बनाता था, उसने कहा साहब एक मुझे भी दे दो ना, ताकि मैं भी तो देखो इसको यूज करके कि पुराने जमाने के लोग कैसे यूज किया करते थे और मैं भी जरा इसको रसोई में इस्तेमाल करके देखूं। तो उसने उधार मांगा उसने उसको बनाने के लिए, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो हम वर्तमान से तुलना करके समझने की कोशिश करते हैं कि इनका उपयोग क्या होता था। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको बताया किस किस के बारे में, उस समय की संस्कृति के अर्थ के बारे में और काल के बारे में, इसके नाम नाम जो दिया गया उसके बारे में, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उनके खान पान निर्वाह के तरीके, खेती की टेक्नोलॉजी और इस तरह की मिली चक्कियों के बारे में। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल, आप सबको क्लियर है। आप चैट में अपने प्रश्न डालते जाइए, आपको आंसर मिलता रहेगा। और जो है चलिए अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एक रैपिड फायर की तरफ। आई होप यू ऑल विल एंजॉय इट। आई हैंड ओवर टू प्रज्ञा मैम फॉर दिस, वो आपसे प्रश्न पूछेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर दे सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, गो फॉरवर्ड, देखते हैं कौन बच्चा आज सबसे बढ़िया करता है। कम ऑन, रैपिड फायर रिकैपिटुलेशन। प्रज्ञा मैम ओवर टू यू। यहाँ आता है बच्चों आपका पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, आपने ट्रू और फॉल्स सही और गलत में इसका उत्तर देना है। इंग्लिश में बोलूं, हड़प्पा सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। कीप ऑन आंसरिंग ऑन द चैट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। यस गुड, द आंसर्स आर कमिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स are telling it correct. Yes, yes. Great, great. Humaira, Chetna, Vijay, Purva, very good. Majority of you are answering. Harshita, Purva, Ankit. Wow. Ye to flood ho gaya. And all are right answers. Kamal ho gaya. Very good, bacho. Sunny, Gaurav, Pankaj, Rishabh. Very good. Shubham. Sabhi ne sab. कमाल है, दैट मींस दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्यूरेट आंसर्स, 100% एक्यूरेट आंसर्स, वाओ फ्लडेड। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हियर कम्स द आंसर इज टू, सही। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है सिंचाई के लिए नहर के साक्ष्य मिले हैं, we have got evidences of irrigation, canal irrigation, A Punjab mein, B Haryana mein, C Sindh mein, D Afghanistan mein. You can very well understand Punjab, Haryana, Sindh and Afghanistan. So give your correct answers. A likh sakte ho, B likh sakte ho, C likh sakte ho, D. Punjab yahan, Haryana ye, Sindh aur Afghanistan. अरे वेरी गुड, वेरी गुड। अरुण, निहाल, श्वेता सभी सही आंसर दे रहे हैं। अफगानिस्तान अगेन, वेरी गुड। सिद्दकी, कुमकुम, रुचि, ऑल आर गिविंग, मेजोरिटी आंसर्स आर करेक्ट। दो एक ने पंजाब लिखा है जो गलत है, इट्स अफगानिस्तान। तेजस्विनी करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर्स आर कमिंग। Yes, Dev, Renu, very good, very good. I should clap for you all. Very good. तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। Next question, please. The answer was Afghanistan for the second question. अब हम third question की तरफ आते हैं बच्चों। हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बताइए। You have to tell, the map is there.
मैप आपकी सहायता के लिए है, उसमें आप देखें और बताइए वह जगह जहां सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई, वह साइट, यू हैव टू टेल द साइट इन हरियाणा वेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन अकर्ड और हैज बीन फाउंड। बनावली आंसर आया है, साक्षी का, हुमायरा का बनावली आंसर आया है, वेरी गुड हुमायरा, साक्षी वेरी गुड। दो किसी बच्चों, गौरव ने तो दोनों बता दिए, बनावली भी बता दिया, राखीगढ़ी भी बता दिया गौरव ने, वेरी गुड गौरव, कीप इट अप, कीप इट अप, यस यस, आंसर्स आ रहे हैं, बनावली 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 बनावली, राखीगढ़ी, फिर झा ने, निधि झा ने बोला है, वेरी गुड, दोनों बता दिए, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। एक काक बच्चे का गलत आया, मैं कहूंगी आप दोबारा से उसको ध्यान से देखिए, बनावली बनावली बनावली, राखीगढ़ी, राहुल ने दोनों नाम दे दिए, वेरी गुड राहुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बनावली राखीगढ़ी, बहुत बढ़िया। विक्रम सही आंसर, सही उत्तर, निशा, निधि, अरुण, वेरी गुड, बनावली, यस, राखीगढ़ी बनावली, दिव्या ने लिखा है, दोनों दिए हैं राखीगढ़ी, कृतिका वेरी गुड आंसर, दोनों दिए राखीगढ़ी बनावली, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित वह स्थल बताइए जहां जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यू हैव टू टेल दैट साइट इन राजस्थान वेयर वी हैव गॉट एविडेंसेस ऑफ प्लाउड फील्ड, दिस इज प्लाउड, अगेन आई एम टेलिंग प्लाउड फील्ड, जुते हुए खेत, मैप की मदद ले सकते हैं, राजस्थान में स्थित, ओके, यस करेक्ट करेक्ट, कोमल करेक्ट, सुष्मिता करेक्ट, कालीबंगन आया, सूरज वेरी गुड, अनुज, गुलशन, बहुत बढ़िया अनुज, गुलशन, कालीबंगन, सुरेंद्र वेरी गुड, पल्लवी गुड, कालीबंगन बहुत सही उत्तर आंसर दे रहे हो आप लोग, ये देख सकते हैं आप लोग, कालीबंगन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हैट्स ऑफ टू यू स्टूडेंट्स, वेरी गुड, कालीबंगन इज द राइट आंसर, आए ही चला जा रहा है, लग रहा है कि बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे, दैट्स रियली गुड, आपकी हमारी मेहनत सफल होनी चाहिए, बच्चे शायद समझ पा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए अचीवमेंट है, एंड लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट टू आवरसेल्फ टू जस्ट। और अगर कोई बेटा आपके समझ में नहीं आता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, आप प्लीज वीडियो रिकॉर्डिंग को देखें एक बार और पूरे अध्याय को, पूरे चैप्टर को दोबारा समझने की कोशिश करें, और आप अपने चैट में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, गौतम बहुत अच्छा, लेट्स नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 5, सबसे पहले खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा था, विच वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वॉज एक्सकवेटेड, गॉड सूरज, गॉड पल्लवी, गॉड लता, गॉड फ्रॉम किरण, आयशा, करेक्ट आंसर्स आर कमिंग, आयुष्का गुड, हड़प्पा 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 हड़प्पा, आए चला जा रहा है हड़प्पा, एक दो उत्तर गलत आए हैं बच्चों, आप उसकी रिकॉर्डिंग्स को देखो या आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में पूछो, अदरवाइज 99% स्टूडेंट्स आर एबल टू गिव द करेक्ट आंसर। तो चलिए तनिषा वेरी गुड, डिंपल गुड, अमन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तो चलिए दीपांशी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सिक्स्थ क्वेश्चन, छठा प्रश्न आपका है, पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, दे गेट टू नो अबाउट द सोशल बिहेवियर
फॉर द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, किससे पता करते हैं? फ्रॉम बर्न्ड ग्रेन्स एंड सीड्स, फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ सीड्स एंड बर्न्ड ग्रेन्स. यू हैव टू आंसर ट्रू और फॉल्स. आपने उत्तर देना है सही और गलत में. गॉड, द आंसर्स आर कमिंग. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग राइट आंसर. जैस्मीन, रंजन, करेक्ट, एकता, गॉड, रिदिमा, कोमल, केकाती, दिव्या, वेरी गुड, वेरी गुड. यस, इट इज ट्रू. द आर्कियोलॉजिस्ट और पुरातत्वविद वाकई जो भी जले हुए अनाज के दाने या बीज प्राप्त होते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय के लोगों की खान पान की आदतें किस प्रकार की थी. सिर्फ खान पान ही नहीं बच्चों, हमें उससे आगे भी पता लगता है कि वो इन चीजों को उगाते थे. क्योंकि जैसा हरिता मैम ने आपको पहले भी बताया, हम नोन से समझने की कोशिश कर रहे हैं. इसका मतलब उन्हें पता, इन चीजों के बारे में पता था. और अगर अनाज थे तो वो उन्हें उगाते थे और उन्हें पकाना भी जानते थे. गुड, द आंसर्स हैव कम आउट वेरी नाइस. जिन एक दो बच्चों जो नहीं आंसर कर पाए उन्हें सही आंसर का तो पता लग गया है, लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर वीडियो को दोबारा देखें तथ्यों को समझने के लिए, टू नो द फैक्ट्स. यू मे हैव मिस्ड आउट सम फैक्ट्स. अब हरिता मैम की तरफ चलते हैं सो दैट वी कैन कंटिन्यू द लेसन फर्दर. हरिता मैम, ओवर टू यू. अभी हम देख रहे हैं हमारे सामने जो स्लाइड है वो ये बता रही है कि कितने तरह के प्रश्न बोर्ड में इससे संबंधित आते हैं. तब तक मैं कुछ प्रश्न और ले लूं. कालीबंगन के संबंध में क्या प्रश्न आ सकता है? What type of question could come in relation to कालीबंगन? That was the question of one student. कालीबंगन के संबंध में प्रश्न हम पूछ चुके हैं कि वहां जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं. इस तरह का प्रश्न आ सकता है. मैप में आपको कालीबंगन मार्क करने आ सकता है. तो मैप की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्टेट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा कि कोई भी पुरानी साइट जो है वो आज प्रेजेंट कौन से स्टेट में है. इससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी. और पॉलिटिकल मैप को ध्यान में रखते हुए, बाउंड्रीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप नक्शों पे जो जगहें हैं, जो मैप में साइट्स हैं, उनको मार्क करने की कोशिश करें. वेरी गुड प्रज्ञा मैम, आपने बहुत अच्छा वैल्यू एनहेंसमेंट किया है. तो अब हम बात कर लें इनसे बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों को. जी हाँ बिल्कुल बच्चों, बोर्ड में आज तक जो अक्सर पूछे गए प्रश्न है, मैं हिंदी में बोल दूंगी, आप इंग्लिश में बोल दीजिएगा प्रज्ञा मैम, ताकि हमारे दोनों मीडियम्स के बच्चों को हम केटर कर पाए. बच्चों अभी तक का जो देखा गया है उसमें बोर्ड में अक्सर पूछे गए जो प्रश्न आए हैं, एक तो हड़प्पा सभ्यता की आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट किस प्रकार सफल हुए हैं. चिल्ड्रन, इन रिगार्ड टू दिस क्वेश्चन दो चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है. द फर्स्ट थिंग इज द एविडेंसेस. क्या एविडेंसेस निकल के आए? इट विल फेच यू मार्क्स इफ यू राइट द एविडेंसेस एंड नेम ऑफ द स्टेट एंड साइट्स, नेम ऑफ द साइट्स एंड हाउ आर द आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू एनालाइज और टू नो अबाउट द फूड रिलेटेड हैबिट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर और पीपल ऑफ हड़प्पा. अगला प्रश्न जो इस उपविषय यानी इस सब टॉपिक से अक्सर पूछा गया है बोर्ड में, वो है पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है. अभी मैंने चक्की के बारे में आपको बताया था. ओवर टू प्रज्ञा मैम. हाउ डू वी एनालाइज और हाउ डू वी कैटेगराइज और हाउ डू वी कम टू नो अबाउट the artifacts or about items which are really from a certain period that we are studying. जैसे कि हम हड़प्पा काल को पढ़ रहे हैं
तो हाउ डू वी एनालाइज और हाउ डू द हिस्टोरियंस कम टू नो और हाउ डू द आर्कियोलॉजिस्ट कम टू नो दीज आर्टिफैक्ट्स आर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पीरियड. इस रिलेशन में आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे. यस हरिता मैम. यस तो बच्चों आज अभी तक हमने ये जाना सेशन टू से पहले. सेशन टू है हमारा मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर मतलब एक टोटली वेल प्लान्ड सिटी. उस पर जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जो देख करके आपको लगेगा अरे ऐसा था हमारी सभ्यता इतनी चीजें थी. सो लेट्स मूव ऑन टू इट. एक छोटी सी इंटरेस्टिंग मूवी टाइप हो जाए अभी. और आज आप जहां बैठे हुए हैं बच्चे इससे हम 4,500 साल पहले जा रहे हैं. इस बात को दिमाग में रखते हुए आप इस वीडियो को देखिएगा. क्या 4,500 साल पहले ऐसे शहर थे और अगर थे तो वो किस तरह बनाए गए थे. We are moving back into the past some 4,500 years ago. So once when you start seeing the video, please keep this in mind. Students, please keep this in mind. It is not about 100 years ago. It is not about 1,000 years ago. We are back into the time 4,500 years ago. Harita ma'am? Yes. बच्चों यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो सर मोर्टाइमर व्हीलर जिनका नाम आपकी किताबों में भी है वो हड़प्पा सॉरी मोहनजोदाड़ो की खुदाई से बहुत करीब से जुड़े रहे हैं. और ये वीडियो 1957 की बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है जिसके अंदर उन्होंने सब कुछ दिखाया है. तो बीच बीच में मैं आपको हिंदी में भी बताती चलूंगी जहां जरूरत पड़ेगी. These letters are part of the most mysterious language of the ancient world. ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहला जो दिया गया है वो यही वाला चित्र है. ये एक हड़प्पाई मोहर है. Nobody can be to understand them. ये उसके अंदर जो है ये स्क्रिप्ट है हड़प्पन स्क्रिप्ट दिखाई गई है ये जो आज भी हम जान नहीं पाए हैं पढ़ नहीं पाए हैं. The women of the people who used it wore few clothes but much jewelry. ये आपकी मृण मूर्ति यानी मातृ देवी जिसको हम कहते हैं ये चित्र भी आपकी किताबों में दिया गया है. एनसीईआरटी की बुक में कुछ हेड ड्रेस है ज्वेलरी है ये सब आप देख सकते हैं. They regarded animals like this bull with veneration. Their religion involved the worship of a god who is usually shown seated like this. ये आद्य शिव यानी शिव का प्राचीन रूप योगिक मुद्रा में बैठा हुआ और अभी जब ये पीछे पलटेंगे आप देखना चोटी बनी हुई वो भी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा जैसे आज चोटी बनती है उस समय के पुरोहित भी रखते थे. With his right hand on his knee and an elaborate hairstyle. The people who practice this religion lived some 4,000 years ago in this extraordinary brick metropolis, the city of Mohenjo-daro. Mohenjo-daro itself stands 2 or 3 miles today from the river Indus. River Sindhu Nadi se kuch duri par sthit aur Sindhu Nadi aaj ke West Pakistan ki arthvyavastha se ek bahut gehrai se judi hui hai aur Mohenjo-daro bhi Pakistan mein padta hai. That line which you can see just below the horizon running into the distance. The Indus is one of the great rivers of the world. It's the backbone of West Pakistan as it curves and meanders 1,000 miles from the Himalayas to the Arabian Sea. The civilization. ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर है ये रिवर इंडस है और ये मोहनजोदाड़ो के बारे में
दर्शाया गया द प्रोड्यूस्ड मोहेंजोदारो इज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन इट स्प्रेड ओवर अ मच लार्जर एरिया देन द सिविलाइजेशंस ऑफ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट इन द सेम पीरियड Mohenjo-daro was one of the two greatest cities of this little known civilization of the ancient east and it is the subject of this program Mohenjo-daro was discovered as recently as 1922 it's not every day that a new civilization is brought to light with great cities and elaborate organization of civic life and well developed knowledge of writing so the event was an exciting one The ancient civilizations of Egypt and Mesopotamia have been known for a long time. Now, here was a third great civilization, almost as old, covering 1,000 miles of the subcontinent of India. ये सभ्यता मिश्र की सभ्यता जो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो ममीज और उनके बारे में आप जानते हैं उसकी और 11वीं में जो आपने पढ़ा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की समकालीन यानी कंटेम्परेरीज थी Research has shown that it lasted from before 2500 BC to something like 1500 BC. About 100 sites have now been discovered. Most of these sites are villages, but there's also the city of Harappa, which is about the same huge size as Mohenjo-daro, though there's not so much of it to be seen today. The origins of this civilization, like much else about it, are a mystery. Let us approach the city of Mohenjo-daro and see for ourselves what we can make of it with the help of archaeology and a little reasonable imagination. The first point about Mohenjo-daro is its great size. These are only some of the sections that have been cleared amongst the tamarisk scrub and red desert sand. Perhaps a twelfth of it has been revealed by excavation. But that is enough to show how vast it is, 3 or 4 miles round. Entering by a main street, we are at once struck by its width and straightness. Then we have no difficulty in telling what sort of vehicle once used it. The ox cart of today has scarcely changed from its 4,000-year-old predecessor, whose shape is known to us from this terracotta model. अब आप देखिए ये बैलगाड़ी का चित्र. उन दिनों भी बैलगाड़ी, आज भी होती है ना इस्तेमाल. ये बैलगाड़ी का चित्र भी आपकी किताब के पेज नंबर किस में है, आपकी किताब के एंड में इसको दिया गया, पेज नंबर 24 हिंदी वाली में, पक्की मिट्टी का एक खिलौना गाड़ी दिया गया है. A number of these models have been found at Mohenjo-daro of slightly different types. They were probably children's toys. Turning at right angles into another street, we get a feeling of law and order from the guard rooms still used by the modern watchman, which Yes, एक ये roads है. Road है grid पद्धति में काटते हुए जैसे आज चौराहे हैं, ऐसे ही चौराहे उन दिनों में भी थे. सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती हुई हैं. Totally planned city. This is in sharp contrast. To the contemporary city of Ur in Mesopotamia, the irregular, no decoration now breaks the monotony, and this absence of individuality is although, of course, there may one time have been a certain amount of carved woodwork. The walls, as preserved, are made almost exclusively of big brick in the so-called English bond. That's to say, यहाँ की जो ईंटें हैं, वो भी एक निश्चित अनुपात में ईंटों का इस्तेमाल किया गया है. ईंटें एक बराबर साइज की, उनका रेशियो था 1:2:4, लंबाई चौड़ाई और उच्च हाइट जो थी उनकी एक रेशियो में थी, और पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है. अगर आप इसकी समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया में देखें तो वहां पर केवल धूप में सुखाई हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, जबकि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर भट्टी में, जैसे आजकल ईंटें पकाई जाती है, भट्टी में पकी हुई ईंटों का भी इस्तेमाल है धूप में सुखाई गई ईंटों के साथ साथ. Alternate rows of headers and stretchers with mud mortar in between. Upper stories were probably built of timber. Such windows as there were. ये देखिए विंडोज में जैसे खिड़कियों में हम ग्रिल लगाते हैं, उसी तरह की एक सीमेंट की ग्रिल उन दिनों के में भी मिली है. Probably had gratings in them like this.
And if it all seems very monotonous now, at least the varied decorations of the household pottery can perhaps give us an idea of how the carpenter and paint protects a piece of the original mud plaster, which probably normally covered one in another house. Walls and cleanliness were a feature of the inhabitants' lives. Returning to our house, we come next to the main courtyard, round which the light... अब ये घर की तरफ बढ़े हैं उस समय के जो घर के अवशेष मिले हैं मेन आंगन को देखेंगे मेन आंगन जो घर की गतिविधियों का केंद्र होता था फिर कई जगह दुमंजिला घर भी मिले हैं सीढ़ी से ऊपर जाने का भी आपको इसमें दिखाया जाएगा आगे Life of the house would revolve. Off it were the various rooms for sleeping, eating and cooking. Finally, in one corner is a brick staircase which leads to a now vanished upper story, probably, as I said, largely built of wood. But now what about the people who once trod these stairs? We can discover a certain amount from the pieces of statuary that have been found, like this portrait bust. ये देखिए, ये आपको आगे इसमें देखेंगे जो पुरोहित राजा की हमने बात भी की थी अभी एक रेफरेंस आया था उड़ता उड़ता और आपके जो प्रेजेंटेशन है उसमें उसी की पिक्चर यूज की अब आप देखिए मंदिर और इसको कैसे इन्होंने जोड़ के यहाँ पर उसको इंटरप्रेट किया This shows it was fashionable to shave the upper lip. The beard is clearly shown while the upper lip is bare. ये दिखाने का सीधा साफ मतलब है कि यहाँ पर तो दाढ़ी है लेकिन मूछें साफ है यानी उन दिनों रेजर का इस्तेमाल हुआ करता था This is confirmed by the discovery of a rather battered bronze razor now in the Karachi Museum. Another point is that men took some trouble over their closely cropped wavy hair, which was done up into a bun at the back. This is not such an impressive portrait, but with his neat beard and the twinkle in his eye, he strongly reminds me of an old professor friend of mine. The women, too, went in for elaborate jewelry and headdresses. These figures aren't portraits in the same way as the male head, but they do show that the women of Mohenjo-Daro made up in jewelry what they lacked in clothes. Here a Pakistani girl, with the help of a bronze mirror, which some... ये उन दिनों जिस तरह शीशा देखने के हम आज शौकीन हैं, उन दिनों में भी ब्रॉन्ज मिरर, यानी कांसे के शीशे के सबूत मिले हैं, अभी आपको दिखाएंगी पूरा डेमो देकर के कि क्या क्या आभूषण भी उन दिनों इस्तेमाल हुआ करते ब्यूटी ऑफ मोहेंजोदारो वंस यूज्ड सम 4000 इयर्स अगो इज शोइंग अस सम ऑफ देयर ज्वेलरी व्हिच वाज फाउंड इन द एक्सकवेशंस दीस नेकलेसेस वर मेनली मेड ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स लाइक कार्नेलियन एंड जैस्पर एंड सम वुड नॉट लुक एट ऑल अनफैशनेबल टुडे This one, with its three gold pendants in the center, is particularly attractive. Bangles, both of bronze and gold, were obviously popular too. And notice the girdle particularly. It's made of long tubes of red carnelian and is the image of the one worn by some of the terracotta models. Other evidence we have of the lady's interest in makeup is this pot of black eyeshadow and the bronze sticks that were once used to put it on. They also had nail cutters. उन दिनों देखिए नेल कटर्स तक के सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं. And combs. And on a more homely note, needles and buttons. Another familiar domestic object they had was a baby's feeding bottle. ये बहुत ही interesting fact है कि babies के feeding bottles तक उस समय में उसके सबूत मिले। You must forgive me if I don't handle it quite as it should be. For the older children, there was this charming animal which still works quite well today. Then there were models and gamesmen like these. शतरंज से मिलते जुलते खेल के भी सबूत यहां पर साक्ष्य मिले हैं
They were used for some sort of game like chess or draughts. For grown-up children, there was that old pastime dice. After which, if you were bored, you could always say, bring on the dancing girls. The dancing girl on the right is in fact one of the most remarkable finds from Mohenjo-Daro. She hasn't got many clothes on, but she carries all her wealth on her left arm. And with her saucy look and easy posture, she really is a charmer. Less obtrusive members of the household were the pets. Was this a cage for a pet bird? It may have been. But there's no doubt what made these footmarks on a wet brick. A dog. Perhaps this very one. जैसे आजकल भी होता है ना, सड़क नहीं बने, चारकोल पर मना भी किया जाता है, तो भी कोई ना कोई पैर रख देता है, तो हमेशा के लिए इम्प्रिंटेड हो जाता है. उसी तरह से यहाँ कुत्ते के पैर के निशान भी सड़क पे ताजी ताजी बनी पर मिले. Whose owner had obviously taken pride in his handsome collar. Good example of the carefully built chutes by which in a shop. This still has the later stages they were built in amongst the buildings. ये बर्तन बर्तन उस समय के मिले हुए, आज के संग भी आज उसको कंपेयर कर सकते हो कि उस समय में जिस तरह के ज्योमेट्रिकल डिजाइंस, ज्यामिति आकार, आज भी अगर हम देखें तो कुम्हार इस तरह के बर्तन बनाते हैं. But now look at this set. A perfectly good child's tea set copied from the large originals. Another point about Mohenjo-Daro pottery, like these examples here, is its resemblance to the pottery which is still made in the villages near Mohenjo-Daro today. I went to look at one of these village potteries, which is less than a mile from Mohenjo-Daro. The wheel is foot operated. ये आजकल का उन्होंने कंपेयर किया कि यहाँ पर कुम्हार जो है जैसे पैर से चला करके पॉटरी बना रहा है, और ये पॉटरी मिलती जुलती है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से की पॉटरी से. These are some of the products. This pot has a pattern which is almost identical with that on another piece of pottery in the Karachi Museum from one of the levels of Mohenjo. अब आप देखिए जिस बाट की हमने बात की, बाट है और तराजू है, बाट मिले हैं वहां पर, तो ये आजकल भी बाट इस्तेमाल होते हैं. Turning to another building near the shop, we come past a guard room. It's a priest. Was this a temple devoted to the worship of the monkey-faced god? And perhaps this other figure found there represents a priest. His eyes were originally inlaid with shell, and trefoils on his cloak. ये वही पुरोहित राजा है जिसकी पिक्चर भी आपकी पुस्तकों में है. Probably represents stars. They're a common religious motive in the ancient Middle East. We would know more about their religion if we could read their script. 396 of its signs are known, and it's still in a pictographic state, as to say, the signs are still recognizable, like this fish, or this sun or wheel. It's not like any other known script, and unless a bilingual inscription is found, it's unlikely ever to be translated. Another point is that it's read Boustrophedon, that's to say, backwards and forwards, like this.
Most of the letters are found on these seals, which are one of the outstanding artistic achievements of these people. They were probably used for stamping bales of goods or storage jars, amongst other things. The sacred brazier in front of it dominated the city. It was built up on a platform of mud, brick, and mud, and stood some 30 feet above the rest of the town. Today, the remains are crowned by a Buddhist monument, a stupa. The floor of the bath, now rather battered, was a remarkable piece of work, with the bricks laid very closely together, with very fine joints to stop the water draining away. Truly, this is one of the most remarkable relics of the ancient East. The outlet drain. ये drainage system के बारे में, यानी जल निकास प्रणाली के बारे में बताया गया है इसमें. Becomes this high tunnel, roofed with flat bricks, the nearest they got to an arch. Water for the bath was supplied by this big well. Just beyond the great bath is a block which contains 8 rooms opening off a central passage. The entrances are so arranged as to give the occupants privacy. Each room has a staircase. ये जो विशाल स्नानागार है उसके पास ये कपड़े बदलने के लिए कमरे भी मिले हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है. Led to an upper floor. Lighting was from a lamp which went in a niche in the wall. Difficult to see in this face the haughty disdain of a governing official. Another aspect of that. जिस तरह से मेसोपोटामिया, क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन है उसके बारे में हम बहुत ज्यादा क्लैरिटी के संग नहीं पता कर पाए हैं, लेकिन इसकी समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया के अंदर इस तरह से पुरोहित राजाओं द्वारा शासन के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर यहाँ पर मिली हुई इस पिक्चर को पुरोहित राजा की पिक्चर कहा गया है, जिस जो प्रशासन चलाता होगा. और ये विशाल स्नानागार के पास ही एक बड़ी अन्नागार, यानी जहां पर अन्न का स्टोरेज, ग्रेन्स का स्टोरेज होता था, वो मिला है. It fed the citizens and was used to pay the taxes. The portion of the grain from the villages up and down the Indus Valley, was probably brought to Mohenjo-daro in ships like this one. शायद जो आसपास ग्रेन उगाया जाता होगा, अनाज, वो शायद इस तरह के ships में बड़ी-बड़ी cities की तरफ लाया जाता. Matched on a piece of pottery. One thing is certain. The country around the city didn't then consist of tamarisk scrub and desert. Evidence of the difference of climate in ancient. ये वही बात कह रहे हैं जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा की थी कि जैसा अर्धशुष्क एरिया आज दिखाई देता है शायद उस समय में नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो सील्स मिली हैं उनमें कई जंगली जानवरों के चित्र हैं. Times comes from the seals, which show jungle animals like the rhinoceros or the elephant, with which the artists were obviously very familiar. The rulers of Mohenjo-daro lasted for 1,000. In the spring, the Indus River comes down in a great flood, swollen by mountain snows. It overflows its banks. अब यहाँ उसके बाद उन्होंने बात की है आगे किस तरह से ये सभ्यता खत्म हुई, जिसके बारे में हम अब अगली आगे की जो क्लासेस है उसमें डिटेल में हम बात करेंगे. तो आई होप कि अभी तक आप सबको सब समझ में आया है, और किसी को कुछ पूछना हो तो आप अभी अपने प्रश्न इस 5 मिनट के अंदर बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं आज की चर्चा से, जो आपने सीखा या आपके फीडबैक. मोहन सर अगर पॉल करवा सकें तो एक पॉल कर दीजिए. जब तक आपके प्रश्न आ रहे हैं बच्चों, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी. इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी भी पाठ को पढ़ रहे हैं, चूंकि इतिहास स्टैग्नेंट नहीं है, हमारे पास जितनी जानकारी होती है इतिहासकारों के पास उसी के हिसाब से आपकी पुस्तक लिखी गई है. इसका मतलब ये नहीं है कि यही इतिहास है, जानकारियां बढ़ सकती हैं समय के साथ और इतिहास में परिवर्तन हो सकता है. फैक्ट्स कैन चेंज, द हिस्टोरिकल फैक्ट्स आर नॉट स्टैग्नेंट, दे कैन चेंज विद द टाइम, विद द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस एंड विद द नॉलेज विच द हिस्टोरियंस गिव अस.
लेकिन आप ज्यादा नेट पर जाकर जो डिबेटेबल टॉपिक्स हैं उसको ना पढ़ें, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो ट्वेल्थ का रिजल्ट है, आपकी ट्वेल्थ के सब्जेक्ट नॉलेज है, इसीलिए कंसंट्रेट बुक पर कीजिए और बुक में जो फैक्ट्स या चीजें दी गई हैं उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हुए उसको पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा नेट पे जाएंगे तो नेट पे बहुत सारे डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे अभी एक बच्चे का क्वेश्चन था, क्या मैम महाभारत इससे पहले था या बाद में था? यहाँ पे अभी हम महाभारत पे नहीं है, हाँ हम उस टॉपिक पे भी आएंगे आगे आने वाली किताब आपके चैप्टर्स पे, पर इस समय आप टोटली कंसंट्रेट कीजिए इस लाइन पर कि आपको हड़प्पा के बारे में किन फैक्ट्स को ध्यान में रखना है अपनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आएंगे किताब के ऊपर, किताब में दिए गए फैक्ट्स के ऊपर, आप उनको पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें, उन्हीं को आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ट्वेल्थ में आप अपने इनविजिलेट अपने जो एग्जामिनर होता है जो आपका आपके क्वेश्चन चेक करेगा उससे नंबर छीने कैसे जाएं इस पर ध्यान दीजिए, वो नंबर दे देगा हमें इस बात से निकल जाइए, आपको लिखना वो पड़ेगा कि वो आपके नंबर काट ही ना पाए। इस तरह का एक माइंडसेट बना के अगर आप चलेंगे तो मैं समझती हूँ आप काफी अच्छा टारगेट आपका रहेगा और अंत तक आप काफी तैयार हो पाएंगे अपना बोर्ड देने के लिए। सही कहा, थैंक यू प्रज्ञा मैम, ओवर टू यू। बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की है, किसी बच्चे ने वीडियो का लिंक दे आर लाइकिंग, रियली लाइकिंग, दे आर अप्रिशिएटिंग द क्लास। और जैसा प्रज्ञा मैम ने आपको अभी बोला है कि हमें अपनी बोर्ड की जो हमारा एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है, वो तैयारी का क्या तरीका और हो सकता है? ये प्रश्न किया था कि उनके पास किताबें नहीं है, तो उनको ये कह दिया गया है बेटा अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो आप ई पाठशाला पे जाके बुक ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, बायलिंगुअल है, हिंदी में भी अवेलेबल है बुक और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, मैप्स भी हिंदी में अवेलेबल हैं और इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों माध्यमों को बच्चों को मीडियम्स जो ले रहे हैं बच्चे उनको दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, आप अपने नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें आप अपने डाउट्स दें, तब तक बुक डाउनलोड करके उसको एक बार जरूर पढ़ें। यहाँ मैं एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगी, आपने बहुत सही कहा बच्चों से कि आप ई पाठशाला से जाकर के बुक डाउनलोड कर लीजिए। अगर सीधे ई पाठशाला पे नहीं भी जा पाए तो आप गूगल में लिखिए क्लास ट्वेल्थ NCERT हिस्ट्री बुक ऑनलाइन, वहां पर जब सारे खुल जाते हैं साइट्स उसमें एक में ई पाठशाला, आप जब उसमें क्लिक करेंगे तो आप वहां से पहुंच पाएंगे NCERT की साइट में, जहां पर जिस तरह से प्रज्ञा मैम ने बताया कि इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, उर्दू में भी अवेलेबल है बुक। तो आप गूगल में भी इस तरह से टाइप करके आप साइट तक जा सकते हैं। एनीथिंग एल्स? So Pragya ma'am, anything you want to like to add on? I think it's okay for today. Okay, it's so okay. Let the students grasp everything that they have listened. Yes. But ek cheez aur, main choti si ek baat aur bachon se kehna chahungi. Beta, ek cheez bahut dhyan mein rakhiyega. कि जब भी आप किसी टेस्ट या एग्जाम की तैयारी करते हैं, आजकल बच्चों में बहुत आदत है कि वो पढ़ते हैं और फिर सीधा टीवी, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे चले जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिएगा। आप ट्वेल्थ में आ गए हैं, जब भी आप पढ़ें तो एक बार बुक बंद करके एक बार जरूर रिकॉल करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्रमवार रिकॉल करें कि आपको क्या पढ़ाया गया था या आपने क्या पढ़ा है। अगर आप ये एक्सरसाइज फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कुछ दिनों बाद जिन बच्चों को रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है वो रिटेन करना चीजों को शुरू कर देंगे और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। बहुत सही कहा आपने। एक चीज और है बच्चों, आज की जो हमारी ये क्लास हुई है
और ये यहाँ आप अपनी स्लाइड में देख सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे गए प्रश्न। ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स आपके लिए असाइनमेंट है, आप ये करेंगे। और साथ ही साथ आपकी जो बुक है, बुक के इस चैप्टर के पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 4 तक आप अपने लेवल पर अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाएंगे। तो दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू, ये आपका असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है, जो आपकी लर्निंग को भी बढ़ाएगा। तो आपको ये काम नेक्स्ट क्लास से पहले करके रखना है। एंड थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि हम लोग आप लोगों का कुछ अपना लर्निंग आप लोगों की करवा पाए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फ्रॉम माय साइड आल्सो, आई थैंक ऑल द स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, फॉर वॉचिंग द सेशन, एंड वी होप टू हैव गुड सेशंस अहेड। या लुकिंग फॉरवर्ड टू यू सून। थैंक यू श्रीनी सर, मोहन सर, इफ यू आर देयर। श्रीनी सर, मोहन सर, आर यू देयर? हाँ जी, आपके क्वेश्चंस चेक भी जरूर होंगे, क्योंकि आप करियर लॉन्चर के जहां पर आपने खुद को रजिस्टर किया, आप अपने आंसर्स वहां भेजेंगे बच्चे, तो हम लोग चेक करेंगे उसको। थैंक यू। एग्जिट कर लीव मीटिंग मैम। यस हाँ मैम, अभी चाहे तो आप एग्जिट कर सकती हैं, लीव कर दें आप। जी मैम, जी मैम। Yeah, thank you. Okay, thank you everybody. Thank you. Yeah. Yes, very much. This is a good class. Wonderful. Thank you, sir. Anyway, there is no boundaries for being better, and we will continue to be better, I'm sure. जी मैम।